बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं स्पेशल चना पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, तो चले इनके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये स्पाइसेस हैं, और चार छोटी इलायची हैं, दो बड़ी इलायची हैं, और दालचीनी के तीन चार स्टिक्स हैं, और चार लौंगे हैं, छः सात मैंने काली मिर्चें ली हुई हैं, और एक टीस्पून ज़ीरा साबुत, और ये दो टेबलस्पून किशमिश है, और सात आठ दाने जो हैं वो इमली के लिए हुए हैं, और ये बिरयानी मसाला है, ये दो टेबलस्पून है, दो टेबलस्पून भर के नमक के हैं, आधा कप दही का है, एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, एक टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ है, और एक ही टेबलस्पून ज़ीरा, और टमाटर हैं दो बड़े मैंने स्लाइस में काटे हुए हैं, और दो ही मैंने प्याज ली हुई है मीडियम साइज़ की, वो स्लाइस में काटी हुई हैं, और तीन चार मैंने चॉप की हुई हैं हरी मिर्चें, और एक टेबलस्पून मैंने अदरक लिया हुआ है, और एक ही टेबलस्पून लहसुन है, और साथ में यखनी है। अगर आपके पास यखनी मौजूद ना हो तो आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। एक पाव मैंने चने लिए थे, और उसको मैंने रात को मैंने एक टीस्पून सोडा डाल के, मीठा सोडा डाल के मैंने इसको रख दिया था, और सुबह इसको अच्छी तरह धो के बॉयल कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हुए हुए हैं, ये देखें। एक किलो मैंने चावल लिए हुए हैं, और इसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। तो चलें स्पेशल चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप ऑयल पैन में डालें, दो मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालें, जब तक गोल्डन ना हो जाए उस वक्त तक फ्राई करें। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें एक टेबलस्पून अदरक डाल दें पिसा हुआ, एक टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन डाल दें, चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दें, स्लाइस में कटे हुए टमाटर डाल दें, टमाटर जब तक नरम ना हो जाए उस वक्त तक इसकी अच्छी तरह भुनाई करें। टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, अब आधा कप दही शामिल कर दें, गरम मसाला शामिल कर दें, एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें, एक टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर दें, एक टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, दो टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल कर दें, दो टेबलस्पून भर के नमक के शामिल कर दें, दो टेबलस्पून किशमिश शामिल कर दें, इमली शामिल कर दें, इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें, यखनी शामिल कर दें, दो गिलास मेरे यखनी के थे और चार गिलास मैंने पानी के डालने हैं, कुल छः गिलास हमने पानी के डालने हैं, क्योंकि मेरे तीन गिलास मेरे चावलों के थे, और एक गिलास चावलों के साथ दो गिलास पानी के जाएंगे। बॉयल चने शामिल कर दें। अच्छा, बॉयल जो चने हैं वो पानी और यखनी डालने के बाद शामिल करें, वो इसलिए कि ये वरना ऑयल चूस जाएंगे। चावल शामिल कर दें, पानी खुश्क हो जाए तो दम पे लगा दें। इस स्टेज पे दम लगा दें, इसमें हल्का हल्का सा पानी होगा इस तरह, तो इसका दम लगा दें। चावलों को दम लग गया है, चावल पक के तैयार हैं। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ।
स्पेशल चना पुलाव मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।